ये हो जाए थोड़ा रॉक शॉक यार। हेनरी हेनरी हेनरी, अब तक होमवर्क करने क्यों नहीं बैठे हो तुम? वही तो कर रहा हूँ मॉम, रॉकस्टार की पढ़ाई। हाँ रॉकस्टार पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हेनरी। कूल, तो इसका मतलब है नो पढ़ाई ओनली मस्ती। हेनरी तुम रॉकस्टार नहीं हो और ना ही कभी बनोगे, इसलिए जितनी जल्दी हो सके सिर से ये भूत उतारो और पढ़ने बैठो। ये ठक ठक बंद करो और जरा से भी आवाज आई तो समझ लेना। बस बहुत हो गया हेनरी, तुम ऐसे नहीं मानोगे। कोई परवाह नहीं हेनरी, इस सारे हफ्ते तुम हर शाम घर पर रहोगे और पढ़ाई करोगे, समझे? मेरी बैंड प्रैक्टिस का क्या होगा? जीरो ज़ॉम्बीज मेरे बिना कैसे प्रैक्टिस करेंगे? वो सब मैं नहीं जानती, तुम सिर्फ पढ़ाई करोगे। ये ठीक नहीं है। पढ़ाई करो हेनरी। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं अपने बैंड का मेन सिंगर हूँ और उन्हें मेरी जरूरत है। लगता है कुछ सोचना ही पड़ेगा। आइडिया फटे। डियर मिस्टर रॉकस्टार, करेक्शन मिस्टर सुपर रॉकस्टार, मैं आपको ये चिट्ठी आपके एडवाइस और हेल्प के लिए लिख रहा हूँ। मामा पूछ रही है कि तुम पढ़ाई कर रहे हो ना? भागो यहाँ से कीड़े। इसका मतलब तुम होमवर्क नहीं कर रहे हो। मामा प्लीज प्लीज प्लीज, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे, मुझे एडवाइस देंगे? वो क्या है ना कि मेरा एक सरू पकाओ छोटा भाई है, बोरिंग डांटने वाले मम्मी पापा है, जो जब देखो तब मुझे सिर्फ होमवर्क करने को कहते रहते हैं। तो मैं ये जानना चाहता था कि एक रॉकस्टार बनने के लिए आपको क्या करना पड़ा। थैंक यू डियर रॉकस्टार, आपका सबसे बड़ा फैन हेनरी। ब्रश करने का टाइम हो गया बच्चों। ओ एक और बात, क्या रॉकस्टार को भी ब्रश करना पड़ता है? सोने का टाइम हो गया बच्चों। तुम तो पहले ही सोने चले गए, तब ये तो ठीक है ना? हाँ हाँ मम्मी, बस थोड़ी नींद आ रही है। क्या तुमने ब्रश किया? हाँ सुबह ही किया था। गुड नाइट हेनरी। बाय हेनरी। बाय मम्मी। मेरे रास्ते से हटो कीड़े। तुमने कुछ गिरा दिया हेनरी। ये मेरा है। क्या तुमने कोई चिट्ठी लिखी है हेनरी? मैं कुछ भी करूँ उससे तुम्हें क्या बोरिंग कर दूँ? हेनरी, हमारे बैंड को तोड़ फोड़ परफॉर्मेंस देने का मौका मिल गया है। कूल, कहाँ? मेरे दादाजी की बर्थडे पार्टी में। वाह ये तो बहुत कूल है, पर क्या उन्हें हमारा बैंड पसंद है? पसंद नहीं है तो पसंद करने लगेंगे, नो टेंशन। अच्छा तो इस भोंदू हेनरी के बैंड को अपना पहला शो मिला है और उनके पास उनका मेन सिंगर ही नहीं है। मजा आएगा। हाँ तो मैं कह रही थी कि अगर इसको इससे माइनस कर दें है? तो आज रात को मेरे घर पर बैंड प्रैक्टिस, ठीक है? मैं आज रात नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते? ओ प्लीज मिस, हेनरी बक बक कर रहा है। हेनरी क्लास के बाहर जाओ। मैं तो बाहर अभी। ये आज रात को बैंड प्रैक्टिस में नहीं आ सकता क्योंकि उसे बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। इसका मतलब उसे जल्दी सोना होगा और गाना गाना बंद करना होगा। सच में बेचारा हेनरी। ओह बहुत बड़ी बीमारी है, पता नहीं कब ठीक हो पाएगा वो। बस मेरे दादाजी के बर्थडे तक ठीक हो जाए वरना पहला शो नहीं हो पाएगा। तो समझ लो गया तुम्हारा शो पानी में। पर टेंशन मत लो राव, मैं ढूंढूंगी नया मेन सिंगर। सच में? और नहीं तो क्या, मैं हूँ ना। ओ हाँ, और हेनरी नहीं चाहता कि उसकी बीमारी के बारे में किसी को पता चले, तो अपना मुंह बंद रखना, समझाई? ओ तुम यहाँ हो राज, मैं आज रात प्रैक्टिस के लिए नहीं आ सकता क्योंकि हेनरी है, मुझे सब पता है। ओके कूल, लेकिन बर्थडे वाले दिन में जरूर आऊंगा, प्रॉमिस। हाँ हाँ पता है हेनरी, सब कुछ साफ साफ देखा है मैंने।
ए लड़को, अपने नए मेन सिंगर से मिलो। लेकिन कौन? मैं गधो। बैंड प्रैक्टिस ठीक 6 बजे शुरू हो जाएगी मेरे ट्री हाउस पर, और 1 मिनट की भी देरी मुझे पसंद नहीं। ठंड रखो दोस्तों, मैं बताता हूँ। जोर जोर से म्यूजिक सुनते हुए मस्ती करने का मजा ही कुछ और है। जल्दी करो। है? या फिर कंप्यूटर गेम्स खेलने का। हाँ? वो तो राल्फ जैसा लग रहा था, पर नहीं हो सकता। राल्फ मार्गरेट के ट्री हाउस में चोरी छिपे क्यों जाएगा? और पता नहीं कब कहेंगे लोग मुझे हेनरी राजा। लगता है आज से मैं सिर्फ होमवर्क ही करता रहूंगा। मम्मी, क्या आज मेरे लिए कोई चिट्ठी आई है? नहीं तो। क्या आज मेरे लिए कोई चिट्ठी आई है मम्मी? नहीं, क्यों? डियर मिस्टर रॉकस्टार, 1 हफ्ता होने को आया है और आपने अब तक मेरी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। आप सिर्फ मुझे मेरे होमवर्क के बारे में बता दीजिए। अगर दांत ब्रश करने के बारे में नहीं बताना है तो मत बताइए। आपका बहुत ही दुखी हेनरी, जो आपका सबसे बड़ा फैन था। तो चलो शुरू करो शुरू से। 1 और 4। मैं हूँ एक लगता है माइक में कुछ खराबी है। मार्गरेट, क्या मेरे दादाजी के बर्थडे में 3 दिन ही बचे हैं? तो मैं क्या अभी से नाचूं? क्या तुम्हें लगता है हम परफॉर्म कर पाएंगे? बेशक हम जरूर परफॉर्म करेंगे। नहीं तो मेरा नाम भी मार्गरेट शाहरुख आमिर सलमान नहीं। अच्छा? नहीं, अब बक बक बंद करो और मुझे प्रैक्टिस करने दो। वापस ये क्या है? ये तो हेनरी की राइटिंग लगती है। डियर रॉकस्टार, डांटने वाले मम्मी पापा, रोज रात को जल्दी सोना। ओके, मैं अपने सोलो के लिए रेडी हूँ। नहीं, मुझे तो नहीं लगता मार्गरेट शाहरुख आमिर सलमान कपूर। चलो यहाँ से दोस्तों। क्या? हम जा रहे हैं यहाँ से। हेनरी की एक चिट्ठी पोस्ट करनी है। घोचू कहीं के। Yes, ये तो मिस्टर रॉकस्टार से आई है। Hey Henry, तुम्हारी चिट्ठी तो बहुत ही कूल थी। तुम्हारे लिए कुछ है जो होमवर्क में तुम्हारी हेल्प करेगा। Keep on rocking। और हाँ, मुझे भी रोज ब्रश करना पड़ता है, नहीं तो मम्मी से डांट पड़ती है जोर से। मिस्टर रॉकस्टार को भी ब्रश करना पड़ता है। Cool। गुड आफ्टरनून। हम हैं 0 Zombies और हम यहाँ आए हैं दादाजी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। 1, 2, 3, 4। रुको। ओए, कहाँ जा रहे हो हेनरी के बच्चे? 0 Zombies के लिए गाना गाने। चलो भागो यहाँ से हेनरी, अब 0 Zombies की मेन सिंगर मैं हूँ, समझे? अरे मुझे जाने दो। हेनरी, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैंने कहा था ना मैं जरूर आऊंगा। वो क्या है हेनरी? रॉकस्टार की होमवर्क सीडी, वही जिसकी मुझे जरूरत थी। हैप्पी बर्थडे दादाजी, हैप्पी बर्थडे दादाजी, तुमको खुश रखूंगा मैं, ये है मेरा वादा जी। हैप्पी बर्थडे दादाजी, हैप्पी बर्थडे दादाजी, तूफानी पार्टी करने का अपना है इरादा जी। हैप्पी बर्थडे दादाजी, हैप्पी बर्थडे दादाजी, तुम हो मेरे बादशाह, मैं आपका शहजादा जी। हैप्पी बर्थडे दादाजी, हैप्पी बर्थडे दादाजी, हैप्पी बर्थडे दादाजी, हैप्पी बर्थडे दादाजी।